वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। पहले आप हर पर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मीन मीडियन मोड बहुत ईजिली कर लेते हैं, स्क्यूनेस कर्टिसिस भी कर लेते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन भी कर, सब कुछ कर लेंगे बच्चे। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें तुक्के वाली बात होती है, क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस तुक्के को ठीक करने के लिए आप 100% कर पाओ अटेम्प्ट, इसलिए इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाने की नीड है और मैं आपको करवा भी रहा हूँ। तो देखिए बच्चे, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बल्ब ऑफ अ विच 5 आर डिफेक्टिव। तो बच्चे 12 बल्ब्स हैं जिसमें से 5 क्या हैं, 5 बल्ब डिफेक्टिव है, तो बाकी रेस्ट ऑफ कितने बल्ब बचे, 7 बल्ब, वो आपके डिफेक्टिव नहीं है, वो आपके सही बोल है। ऑल बल्ब्स लुक अलाइक एंड हैव अ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बीइंग चूसन। मतलब 12 में से आप किसी को भी चूज करेंगे, उसकी सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। 3 बल्ब्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। एक साथ आप क्या निकाल रहे हो, एक से ज्यादा चीज निकाल रहे हो, तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर द डिफेक्टिव, ए सारे डिफेक्टिव आए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हो आप, ऑल थ्री आर डिफेक्टिव। ठीक है बच्चे, तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम outcomes upon total outcomes। अब favorable outcomes अगर आप बच्चे फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स में आपके पास में 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो और तीनों डिफेक्टिव होने चाहिए। तो डिफेक्टिव कितने हैं, 5, तो 5 में से 3 निकलने चाहिए, तो आपके पास में 5 में से 3 निकलने चाहिए। तो सॉल्व करोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, 2 जो 4 एंड 10 आ गया आपके पास में। क्लियर है बच्चे, और उसके बाद आप देखेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आप 3 बॉल पिक कर रहे हैं, आउट ऑफ टोटल कितना आपके पास में, 12 में से पिक कर रहे हैं कितना, 3, 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 12, 11, 10 and 9 फैक्टोरियल upon 3 फैक्टोरियल into 9 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 चौक 12। सॉल्व करेंगे 40 × 11 440। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करा हमने, 2 20 से काटेंगे, 2 × 4 220। ये 3 फैक्टोरियल है ना, तो 3 × 2 × 1 होगा, तो 3 से कट गया 4, फिर उसका आएगा 6, बेसिकली 6 हो गया, तो 6 × 2 = 12, 2 हो गया ना, तो 220 आपके पास में आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे जो बाद में देखेंगे PDF तो उसमें दिक्कत होगी। 12 फैक्टोरियल × 11 फैक्टोरियल × 10 फैक्टोरियल × 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना जाएगा, 6। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2, और 9 फैक्टोरियल तो ऐसे ही तो कट जाएगा, तो 6 6 × 2 = 12, 20 × 11 11 × 2 = 22, 220। आंसर लेते हैं इसका, ए का, तो ए का आंसर क्या होगा, नहीं बोल देता मैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका 10 है, एंड आपके पास में टोटल आउटकम्स क्या है, 220 है, तो 1/22, ये इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया। एंड बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें, वो देखते हैं।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट टू आर डिफेक्टिव, कम से कम दो डिफेक्टिव हो, क्लियर है? तो एटलीस्ट टू का मतलब आपके पास एटलीस्ट टू डिफेक्टिव, तो एटलीस्ट टू डिफेक्टिव का मतलब समझिए आप क्या है, अगले पेज पे लिखेंगे, खुल्लम खुल्ला काम करेंगे भाई। क्या मतलब समझते हैं आप यहां पे? एटलीस्ट टू डिफेक्टिव का मतलब क्या है? टू डिफेक्टिव, प्लस मोर देन टू डिफेक्टिव। तो मोर देन टू डिफेक्टिव मीन्स क्या हो गया? एटलीस्ट का नहीं होता है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे टू डिफेक्टिव, क्लियर है, और प्लस आपके पास में एटलीस्ट टू डिफेक्टिव का लव, प्लस मोर देन टू मतलब कि थ्री की टोटल तीन ही है, चार सिलेक्शन करता तो मतलब कि थ्री भी होता फोर भी होता उसमें, तो थ्री डिफेक्टिव, यही है बच्चे। चलिए तो यहां पर भी आप अपना टू डिफेक्टिव का फॉर्मूला क्या आएगा, टू डिफेक्टिव, टू डिफेक्टिव में आप टू डिफेक्टिव बोल होनी चाहिए, तो टू आपका फाइव है डिफेक्टिव, उसमें से टू डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है बच्चे? तो ये क्या है, टू डिफेक्टिव। लेकिन जो आप तीन बॉल निकाल रहे हैं तो बाकी एक बॉल कहाँ से निकलेगा, आपका एक बॉल कहाँ से निकलेगा, वो बाकी रेस्ट ऑफ सेवन में से आएगा, क्योंकि एटलीस्ट टू डिफेक्टिव मतलब कि आपका कम से कम दो डिफेक्टिव होने चाहिए। तो अगर दो डिफेक्टिव अगर आपके निकल रहे हैं तो बाकी का एक बॉल, क्योंकि निकाल तो तीन रहे, बाकी एक बॉल कहाँ निकल रहा है, रिमेनिंग पार्ट से निकल रहा है, सात में से ही निकल रहा है, क्लियर है बच्चे? तो आप ये चांसेस आपके आ रहे हैं, ये और ये निकलेगा टू डिफेक्टिव में, क्लियर है बच्चे? टू डिफेक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, टू डिफेक्टिव फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोरियल, एंड सॉल्व करेंगे फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल, कट गया तीन से तीन कट गया, दो दूनी चार, यह आपका आ गया दस गुणा सात, यहाँ पे सेवेंटी आपके पास में फेवरेबल आउटकम है, सत्तर इसमें जो है कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपके दो डिफेक्टिव रहेंगे और एक आपका नॉन डिफेक्टिव रहेगा, जब आपके पास में एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव, बट एटलीस्ट का मतलब दो से ज़्यादा भी डिफेक्टिव हो सकता है, तो दो से ज़्यादा डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, थ्री डिफेक्टिव। जब थ्री डिफेक्टिव आप निकाल रहे हैं तो आपके पास में फाइव में से तीन डिफेक्ट, तीन ही बॉल निकाल रहे हो आप, तो ये रहेगा। सॉल्व करेंगे फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे तो टेन इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में एटलीस्ट थ्री, आप देखो एटलीस्ट थ्री डिफेक्टिव, तो एटलीस्ट थ्री डिफेक्टिव में टू डिफेक्टिव प्लस मोर देन टू डिफेक्टिव 80 हो गया। अब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट थ्री सॉरी एटलीस्ट टू डिफेक्टिव, एटलीस्ट टू डिफेक्टिव, ठीक है बच्चे? दिस वन, तो एटलीस्ट टू डिफेक्टिव में आपके पास ए फेवरेबल आउटकम कितना है, 80 अपॉन 220 चार बटा 11, ये आपका आंसर है। समझ में आया नहीं आया बच्चे? हाँ
ठीक है बच्चे, इफ 10 मैन अमंग whom बी स्टैंड इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी द एग्जैक्टली 3 मैन बिटवीन ए एंड बी। टोटल 10 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं बच्चे? टोटल 10 लोग हैं। तीन दो पांच, सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10 है, और इनमें ए और बी दो लोग हैं। तो इसमें से अगर 10 में से एक प्लेस पर, अगर एक 10 में से किसी भी एक प्लेस पर अगर ए होगा, तो बाकी रेस्ट ऑफ प्लेस बचे 9 पे बी हो सकता है, या किसी पे भी अगर 10 में से एक प्लेस अगर बी के लिए है तो बाकी रेस्ट ऑफ 9 पे ए है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इनके? टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इसके? 10 इंटू 9 90। क्लियर है बच्चे? एंड आपसे क्या कह रहा है, दैट देर विल बी एग्जैक्टली 3 मैन बिटवीन ए, तो 3 मैन। तो एक तो आपके पास में ये हो गया, अगर ए यहां पर है तो बी यहां हो गया, तो फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक फर्स्ट और फिफ्थ पे हो सकता है, टू है तो सिक्स पे होगा, थ्री है तो सेवन पे होगा, अगर ये फोर पे है तो एक एट पे आ जाएगा, तीन प्लेस लोग चाहिए, अगर ये फिफ्थ प्लेस पे है तो ये नाइन पे हो जाएगा, अगर ये सिक्स प्लेस पर है तो ये 10 प्लेस पे हो जाएगा। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चांसेस हैं कि इनके बीच में तीन लोग हों। तो एक तो ये ए और बी के चांसेस हैं 6, क्या यहाँ पर ए और बी कितने चांस हैं इसके, अगर ए और बी के बीच में कितने लोग हों? तीन लोग हों, एक और बी के बीच में कितने? तीन लोग। कितने चांसेस है? 6 चांसेस है। तो ये बी और ए भी तो इनको प्लस, इनको एक्सचेंज कर सकता हूँ तो भी तो मेरे पास में 6 चांस निकलेंगे, तो टोटल 12 हो गया। तो यहाँ पर बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मैन बिटवीन ए एंड बी, 3 मैन बिटवीन ए एंड बी, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो फेवरेबल आउटकम 12 है एंड टोटल 90 है। सॉल्व करेंगे 2/50, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको ये?